हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मिलन एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वेलकम। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि एक्वेरियम का पानी वाटर चेंज करने का सही प्रोसेस क्यों। तो सबसे बड़े जो मछलियां मरते हैं उसका रीजन एक ही होता है दोस्तों, कि पानी चेंज करने का हमारा तरीका जो सिस्टम होता है गलत हो जाता है। क्या होता है कि सब शॉप वाले या कहीं से वीडियो में इधर उधर से हमने देख लिया कि पानी चेंज करना होता है, पानी चेंज करे तो मछलियां स्ट्रांग रहते हैं। तो मछलियां स्ट्रांग रहते हैं दोस्तों, तो पानी चेंज करने का तरीका भी सही होना चाहिए। हम ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं कि हम ऐसे सीधा पानी इसको पहले निकाल देते हैं पूरा, एक बोर चालू कर देते हैं समर पूरी टोटली 50 से 70% मछलियों को मरना ही जरूरी होता है दोस्तों, मर जाती है। क्यों मरती है? हमारे पास में एक्वेरियम में पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, पानी ठंडा होता है। जो पानी आता है बाहर से, वो पानी जो हम समरसेबल का डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है, तो ये पानी का मिसमैचिंग होता है दोस्तों। तो इसके वजह से हमारे पास जो एक्वेरियम में वाटर हम चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस से करेंगे तो दोस्तों ये प्रोसेस पूरा टोटली गलत है। ऐसे करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी दोस्तों, ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरा वाला कि ज्यादातर दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि हमें तो एक सप्लाई वाटर वाला पानी चेंज कर वाटर डालना होता है, यूज करना होता है, तो सप्लाई वाटर वाला भी हम पानी चेंज करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जिस दिन नल आते हैं, जैसा कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है नल, जिस दिन आते हैं तो उस दिन हमें तो क्या करते हैं, एक्वेरियम का पानी निकाल देते पूरा और वो नल को सीधा पाइप लगा दिए। ये वाला जो पाइप होता है सीधा एक पाइप नल को लगा दिए, दूसरा पाइप हमारे टैंक में लगा देती, तो उसके अंदर होता है क्लोरीन और हमारी मछलियां टोटल से जल्द तो मर जाती। क्यों मरती है? क्योंकि उसके अंदर भी रीजन होता है दोस्तों कि वो जो पानी का टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो क्लोरीन का जो इफेक्ट होता है जब हम पानी डालते हैं तो ज्यादा होता है दोस्तों, तो वो पानी ज्यादा होता है उसके उसका क्लोरीन का इफेक्ट और टेम्परेचर हमारे टाइम से मैच हो नहीं सकता। तो मिस मैचिंग में हमारी बहुत सारी मछलियों का नुकसान होता है दोस्तों, और अगर हम मछली को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो क्यों तो वीडियो को थोड़ा सा बताने में समझाने में मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा दोस्तों, तो ही हम समझ सकते कि हमारे एक्वेरियम का पानी चेंज करने का प्रोसेस सही कैसे करें और पानी को हम किस टाइप से चेंज करेंगे तो हमारी मछलियां एक भी नहीं मरेंगी। चेंज करना होता है, वाटर चेंज करना होता है, तो सबसे पहले हमारा जो एक्वेरियम है ये वाला हमें पानी चेंज करना है। तो इसके अंदर हम दोस्तों सबसे पहले इस साइफन पाइप के थ्रू है तो इसमें क्या है तो आधी बकेट पानी निकाल देंगे। जैसा कि हमारा बकेट होता है, जैसा कि जो भी हमारे पास में बर्तन है जिसके अंदर हम निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर हम दोस्तों यहाँ से इस पानी को हम निकाल देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो हमारा पानी है हम आधा पानी आधा बकेट इसमें तो निकालेंगे, और इसके अंदर अगर हम टोटल पूरा वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमारी मछलियाँ कहाँ भरती है और कहाँ पे हम गलती करते हैं, तो ही इसकी वीडियो को पूरा समझेंगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो देखने के बाद अधूरा देखने के बाद खाली पानी चेंज किया, क्या करने वाले आगे वो पूरा कम्प्लीट समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमें आधी बकेट मैंने पानी यहाँ पे निकाल दिया हूँ दोस्तों, एक्वेरियम में का हम इसी का पानी आधा बकेट निकालने के बाद ही हमारा जो नेट होता है, नेट के थ्रू हमें तो दोस्तों ये जो फिश होती है हमारी फिश को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हमारे एक्वेरियम के पूरे फिश को इस बकेट के अंदर निकाल दिया। बकेट के अंदर हम फिश निकालने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी एसेसरीज होती है स्टोर होते हैं सभी हमारे पास, हमें इसको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप ये कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे, हम इसको अच्छे से इसके अंदर पहले धो लेंगे और उसके बाद में इसको हम निकाल कर एक अलग साइड में दूसरे वाले एक बकेट के अंदर लेके पूरी एसेसरीज को फ्रेश धो लेनी है इसको। दोस्तों ये सर ये जो मेरा टैंक है इसके अंदर मैं डेकोरेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि तो अपने शॉप का टैंक है इसके लिए हमें तो डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये हमने इस फिल्टर को क्या करेंगे, पहले स्टार्ट में एक बार इसी पानी से अच्छे से धो देंगे फिल्टर को, यहाँ पे स्पंज फिल्टर को। ये स्पंज फिल्टर यूज करने से दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा पानी रहता है, क्योंकि अभी पानी हम देख सकते हैं कितना साफ था, और जब स्पंज फिल्टर हमारा है तो पूरा कचरे को तो जमा कर देता है, एक्वेरियम में नहीं आने देता है।
दोस्तों ये वाला जो हमारा स्पंज फिल्टर है, दो पानी से हमें तो उसका अलग से पानी, फ्रेश वाले पानी से इसको दो टाइम है तो इसको धो के बकेट में ले लेंगे, बकेट से। दोस्तों जो हम जो घर में रेगुलर यूज करते हैं, जो बर्तन वाला जो घसने वाला जो काटा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि हमने पहले स्टार्ट में हीटर लगाया, हीटर के बाद में स्पंज फिल्टर लगाया है, प्लांट्स और कुछ टॉय आइटम डालने के बाद दोस्तों ये हमारे पास 10 ml का सीरीज है, उसके अंदर हम यहाँ पे मेडिसिन डालेंगे। तो मेडिसिन भी होता है कि दोस्तों कि कोई तो भी अंदाज से, जैसा कि हमें कहा जाता है कि बस थोड़ा सा ये मेडिसिन लिया डाल दिया, थोड़ा सा ब्लू शेड आ गया, बस पानी के अंदर मेडिसिन हो गया, ऐसा नहीं है। पानी को अंदर भी कैलकुलेट होना जरूरी है। जैसा कि हमारे पास 100 लीटर का जब पानी हमारे टैंक में है तो हमें 10 ml यूज करना जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सीरीज है, ये है 12 ml का, 12 ml का, तो हम इसके 10 ml यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट स्पॉट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें ये वाला जो ब्लू वाला जो मेडिसिन है इसको यूज करना जरूरी है। यहाँ पे मैंने 10 ml मेडिसिन लिया है, हमारे पास जो हमने पानी वाटर डाला है उसके अंदर हम 10 ml मेडिसिन यूज करेंगे। फिश को इन्फेक्शन ना हो या इसलिए हमने यहाँ पे मेडिसिन ब्लू वाला यूज किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सप्लाई वाला वाटर है, तो सप्लाई वाले वाटर के लिए अंदर क्लोरीन होता है, ये हमारे पास क्लोरीन का रिमोर मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये भी हम मेडिसिन दोस्तों 10 ml यूज करेंगे। पर मैंने क्लोरीन रिमोर का मेडिसिन यूज किया है दोस्तों 10 ml, जैसा कि हम देख सकते हैं 12 ml का, 12 ml का हमारा सीरीज है, उसके अंदर हमने 10 ml का यूज किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मेडिसिन सेक्शन कंप्लीट हो चुका है मेडिसिन का, अभी हम इसके अंदर फिश डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बकेट के अंदर जो फिश थे, मैंने यहाँ पे फिश को अभी छोड़ दिया। तो फिश छोड़ने के बाद में हमें, तो हमारे पास जो हीटर है, हीटर को 26 या 28 के ऊपर है, तो हमें हीटर को ऑन करके स्टार्ट करना है अभी। तो दोस्तों जैसा कि हम इस टाइप से, अगर आप हमारा एक्वेरियम का पानी चेंज करते हैं तो हमारे पास जो फिश मरने के प्रॉब्लम होते हैं, फिश पानी बार बार चेंज करने से फिश मरते हैं, तो हम बार बार भी पानी चेंज करेंगे। इस टाइप से हम पानी अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास के फिश, हो सकता है कि एक भी फिश नहीं मरेंगे। तो दोस्तों और इन्फॉर्मेशन पानी चेंज करके करने के बारे में इस वीडियो में पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो अगली भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा अगला वाला वीडियो देखिए। तो दोस्तों अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों अगले वीडियो में और मिलेंगे, थैंक्स।